हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो आज का सेगमेंट है वो रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो के ऊपर है। मैं इस समय मोहाली या चंडीगढ़ से जो फतेहगढ़ साहब को रास्ता जा रहा है, रोड जा रही है, उसके ऊपर खड़ा हूँ। और उसमें ये बडाली कस्बा है और जहाँ पर ये मैं प्लॉट है ये सामने में दिखा रहा हूँ। ये प्लॉट है सारी हमारी जो बाउंड्री वाल हुई है सारी, ये सिरे तक आप देख सकते हो। और ये रोड को मतलब लग रहा है ये सामने वाली रोड है, ये सामने रोड है। और इसके ऊपर इसका 55 फिट का फ्रंट है। इस प्लॉट की जो डायमेंशन है 55 फिट बाई 95 फिट के आसपास है। और मेरे हिसाब से इससे बढ़िया प्रॉपर्टी कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसकी है, ये लोकेशन बहुत बढ़िया होने के साथ साथ जो इसका रेट है वो बिल्कुल पूरे शहर में यदि हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल रेट इसका कम बैठता है। तो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग सेशन में या अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा बोलता हूँ कि रियल स्टेट में तीन बेसिक चीज़ें रहती हैं। नंबर वन, रेट का कंपेरिजन। नंबर दो, जो आसपास का जो अपना रेट का कंपैरिजन हो गया। नंबर दो ऊपर हो गया मैनिपुलेशन हो गया। और नंबर तीन, कैलकुलेशन हो गया। तो ये किसी एंगल से भी प्रॉपर्टी जो है हमें हर एंगल से ठीक लग रही है। और ये 100% जो आदमी इस प्रॉपर्टी को देखता है एक मिनट में पसंद कर लेता है। और इसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसमें। और आपका फ्यूचर जो इसके में मतलब आने वाले टाइम में जो इसका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छी ROI आपको मिल सकती है। और इस प्लॉट में जो ये प्लॉट आप देख रहे हो इसके राइट हैंड पे अभी मैं दिखाऊंगा HDFC बैंक है। और यदि लेफ्ट हैंड देखा जाए, लेफ्ट हैंड पे हमारा जो बैंक है इस पे पंजाब नेशनल बैंक है। और ये सामने हमारे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के सामने पूरे बाजार के बीच में प्लॉट है। और रेट बहुत ज़्यादा मतलब कंपिटिटिव है। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि ये ऐसी प्रॉपर्टी आप यदि ढूंढते हो तो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत बढ़िया रहेगी। सो मैं आपको राजदीप को कहूँगा कि राजदीप ये दिखाओ जरा, रोड दिखाओ इसमें। और ये बोर्ड हमारा लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और ये कार रोड के ऊपर खड़ी है। तो ये मेरे राइट हैंड पे आप यदि देखोगे तो वो HDFC बैंक आपको नज़र आ जाएगा। ये HDFC बैंक नज़र आ गया, ठीक है जी। तो यदि हम यहाँ से अपने इधर से राइट हैंड देखें तो ये सामने जो घर दिख रहा है इसी में पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग है। वो पंजाब नेशनल बैंक का जो बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ ट्राली खड़ी है वाइट रंग की, वो पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लगा है। तो इस एंगल से ये प्रॉपर्टी बेस्ट है और चीप एंड दी बेस्ट है। मतलब इस ऐसी प्रॉपर्टी लेने में आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी का पहले ही रेट जीरो है और प्रॉपर्टी हीरो है। रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो, यदि आप ठीक तरीके से इसको अपनी ज़िंदगी में लागू कर लो तो आप 100% आपका जो प्रॉफिट है उसमें मतलब दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो मैं अभी आपको थोड़ा इसके बाद थोड़ा और बाइट इसमें एक दो बाइट और ऐड करूँगा जिसमें आपको मार्केट की लोकेशन का पता लग जाएगा। तो ये सबसे पहले तो यही है कि ये मेन रोड के ऊपर प्रॉपर्टी है और 600 गज की प्रॉपर्टी है। आप कम लेना चाहो कम ले सकते हो, ज़्यादा लेना चाहो ज़्यादा ले सकते हो, सारी ले सकते हो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ले सकते हो। और ये प्रॉपर्टी मैं गारंटी देता हूँ, इस प्रॉपर्टी में कभी भी किसी कोई चीज़ का नुकसान नहीं हो सकता। तो ये अभी मैं अभी लेफ्ट हैंड को यहाँ से मुड़ूंगा तो इसमें सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड यहाँ से नज़र आ जाएगा, जो अपने प्लॉट से ज़्यादा 70-75 फुट की दूरी पर है। तो ये हम आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने हम आगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, ये देखो, ये सामने अथोराइज सर्विस सेंटर मंगलम होंडा JS एंटरप्राइज, ये सामने नज़र आ रहा है। और ये साथ में बाएं हाथ पे बहुत बढ़िया शोरूम है हार्डवेयर के, सीमेंट के, और पूरे बाजार में है, मतलब पूरे रौनक में है। ये नहीं हम कह सकते कि ये प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है इसमें। मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ग्राहक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ग्राहक खुद हमें ढूंढेगा। ऐसी प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हमेशा डिमांड रहेगी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी डिमांड में रहती है उसी के रेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी सप्लाई सरप्लस हो जाए जिसकी, उसके रेट डाउन आ जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रॉपर्टी जो आपकी सप्लाई है, आपकी इन्वेंट्री है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन्वेंट्री तो बिल्कुल मतलब बहुत लिमिटेड है, लेकिन ग्राहक लेने वाले बहुत हैं। सो आप इसको हर एंगल से देख के विचार के जब आप साइट विजिट करना चाहो तो साइट विजिट कर लेना। साइट विजिट में आप देख सकते हो उसको, आके आपको पता लगेगा, आपकी तसल्ली होगी 100%। और यदि आप को ये लगे कि यह प्रॉपर्टी आपको पसंद ना आए तो मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ कि प्रॉपर्टी जरूर पसंद आएगी। आपका कोई और इशू हो,
के ये हमें दूर पड़ती है जी, या यहाँ पर कौन संभालेगा, ये कौन हमारा रिश्तेदार नहीं है, यहाँ रहते नहीं, ये कोई इशू हो सकता है? प्रॉपर्टी देख के आप मना नहीं कर सकोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपके साथ। सो आपने देख लो प्रॉपर्टी, हर तरीके से हर एंगल से विचार लो, विचारने के बाद आप अपना डिसाइड कर लो। और ऐसे जो मौके हैं रोज रोज नहीं मिलते, इट इज रेयर ऑफ द रेयर डील, ठीक है जी। दोस्तों ये देख लो, हम मार्केट से अब फिर दोबारे प्लाट की तरफ चले हैं, और यहाँ से सिर्फ प्लॉट हमारा 150 फीट की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो सामने PNB की बिल्डिंग यहाँ से दिखनी शुरू हो गई है। और मैं ये जो रोड है हमारी, यहाँ पर बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है हंसाली साहब, यहाँ हंसाली साहब को जाती है, और बहुत ज़्यादा सैटरडे संडे को लोग मत्था टेकने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब संगत आती है, और बहुत अच्छा गुरुद्वारा है मतलब यहाँ पर आने के लिए। तो ये सामने PNB की बिल्डिंग आ गई। और मैं जो एक बात स्ट्रेस दे के इसको बोलना चाहता हूँ, जो मैं एनालिसिस करके बोल रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी का रेट जो है मेरे हिसाब से मार्केट रेट से 33% में मिल गई है। यदि मतलब आसपास में 10 रुपये का रेट है तो ये 3.5 या 4 रुपये के आसपास ही आपको रेट पड़ेगा इसका। इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है रेट वाइज, और देखो लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर इसका बहुत बढ़िया है। इससे आगे मैरिज पैलेस वगैरह होटल वगैरह बनने शुरू हो गए हैं, और ये जो रोड है, ये रोड के आसपास जो है इसमें मिक्स लैंड यूज़ है, मिक्स लैंड यूज़ में कमर्शियल प्रॉपर्टी का हम यूज़ ले सकते हैं, और इस प्लॉट को हम कमर्शियल में रेजिडेंशियल कम कमर्शियल जिस तरीके से मर्जी हम यूज़ इसको कर सकते हैं। पीछे किसी ने रिहाइश करनी है उसके लिए भी बहुत बढ़िया पीछे प्लॉट है, और आगे इसके 5 शोरूम 4 शोरूम निकल जाएंगे, और पीछे इसका प्लॉट का रास्ता भी बच जाएगा। सो ये किसी भी एंगल से बुरी नहीं है, बाकी आपने देखना है, आपने अच्छे तरीके से अपने हिसाब से विचारना है इसको। यदि आपको ये ठीक लगती है तो बिल्कुल आप इसको इसमें ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये मैं वीडियो के अंत में यही बताना चाहता हूँ कि ये हर आपकी शर्त पूरी करता है। जैसे मैं बताता हूँ कि रेट का कंपैरिजन होना चाहिए, और आपकी मैनिपुलेशन ठीक होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये प्लॉट हर एंगल से ठीक है। और मैं आपको एक और छोटी देता हूँ कि जिस रेट में ये प्लॉट मिल रहा है उस रेट में पूरे कस्बे में कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, और ख़ास करके जो मल्टीपल प्रॉपर्टी है, मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी है, ये मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल का रेजिडेंस है और कमर्शियल का कमर्शियल है। सो यदि हम बाज़ार में देखें तो बाज़ार में जो इसकी रेट मिलेगा तो यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 गुना ज़्यादा होगा। सो इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी को रिकमेंड करता हूँ, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, आप ले सकते हो इसको, और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये मेरी शॉर्ट है आपको। थैंक यू वेरी मच।